आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क के बहुत ज्यादा स्याह दिनों में से 18 अक्टूबर 2007 जो है वो एक बहुत ज्यादा स्याह दिन है। इस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान तशरीफ लाएं जनरल परवेज मुशर्रफ के रिजीम में, उन पर हमला किया गया। ये कारसाज का हमला वो हमला था जिसके बाद हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को रावलपिंडी में असैसिनेट भी कर दिया गया। अपनी जान को खतरात लाहक होने के बावजूद, पता होने के बावजूद कि मुल्क के अंदर क्या हालात हैं और किस किस्म के खतरात उनको दरपेश होंगे, बहुत सारे लोगों की उनको ये एडवाइस भी दी गई, मुशावरत भी हुई और कहा गया कि आप ना जाइए, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं, आपकी जान को खतरा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान फिर भी फैसला करके तशरीफ़ लेकर आईं और जब वो एयरपोर्ट से हमने मनाजिर देखे उनके आने के, उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, उनकी आंखों में आंसू थे और एक बहुत नए जज्बे से लबरेज थी इस दफ़ा जब वो पाकिस्तान लौटी थी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों की ऑब्जर्वेशंस हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से। सवाल ये पैदा होता है कि 10 साल गुजर जाने के बाद कारसाज जिसके अंदर 150 से ज़ायद लोगों ने अपनी जान दी, क्या बना उसका? तफ्तीश हो रही है कि सुराग लग सका? हम ये सिर्फ कह के बात टाल देते हैं कि दहशतगर्दों की कार्रवाई थी, मामला ठप हो जाता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं नाहिद खान साहिबा, चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी वर्कर्स, करीबी साथी हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। उसके बावजूद मेरा ख्याल है साइड लाइंड है बहुत ज्यादा। मैं नाहिद खान साहिबा आपके कुछ फीलिंग्स जानना चाहता हूं। आप मौजूद थे उस वक्त साथ, वापस जब मोहतरमा वापस आई आप उस वक्त भी उनके करीब मौजूद थी जब उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और आप उनको हौसला दे रही थी, उनका हौसला बढ़ा रही थी। आपके कुछ पहले तो सबसे पहले कुछ जज्बात कुछ एहसास आपके जानना चाहेंगे नाहिद खान साहब। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपके चैनल के तवसुत से। मैं उन तमाम शोदा के जो लवाहिकीन हैं उनके साथ एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से ताज़ियत का इजहार करती हूँ। और बहुत ही दुख वाला दिन है, बहुत ही तकलीफ़ दे ये लम्हे होते हैं। उस बात को वापस रिपीट करना, उस साने को वापस रिपीट करना, लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक अवामी लीडर थी और लीडर उसी को लोग जानते हैं और मानते हैं जो बहादुरी में उनसे बहुत ज़्यादा होता है, जो इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसका विजन बहुत ज़्यादा होता है, जो जिसकी जो फार साइटेड होते हैं। और मोहतरमा ये सोच थी और जिस तरीके से वो अपने मुल्क के लिए 9 साल के एग्जाइल के बाद वो वापस आई थी इलेक्शन जब उन्होंने यहाँ पे होने को आए, तो मैं समझती हूँ वो तमाम खतरात उनको पता थे, वो तमाम तकलीफ़ों को खतरात को सामने रखते हुए उनको, मुझे एक बात याद है जो उन्होंने की थी कि मेरा मरना और जीना धरती के आवाज की है, मैं इससे ज़्यादा बाहर नहीं रह सकती, मैं अपने लोगों के साथ जीना चाहती हूँ, अपने लोगों के दरमियान रहना चाहती हूँ। और सारे खतरात के बावजूद जब वो वापस आई 18 तारीख को, तो आपने देखा कि कैसा लोगों ने किस तरह वालेहाना अंदाज में अपनी लीडर का इस्तकबाल किया। सबसे पहले पीआईए के जो एम्प्लॉयज थे, मजदूर थे, जो भी लोग थे पीआईए में काम करने वाले, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम किया। और जब उन्होंने लोगों का ये प्यार देखा, ये अकीदत देखी अपने लिए, तो आपने देखा कि वो कितनी जज्बात में इतनी हो गई थी कि अपने मुल्क की मिट्टी को देख के कि उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए।
और जब वो ट्रक में सवार हुई और जिस तरीके से लोग नारे लगा देखने के लिए, जिस तरह वालिहाना तरीके से लोग देख रहे थे, मैं समझती हूँ कि तारीख में आज तक किसी लीडर का इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं हुआ जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। नाहिद खान साहब, ये जानना चाहेंगे हम, जो इन्वेस्टिगेशन कारसाज के हवाले से हुई, उसमें लाइन जो थी इन्वेस्टिगेशन की वो प्रॉपर लाइन थी? जो खदशात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या शायद लोगों के थे या जो आप लोगों के थे, उन्हीं लाइंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कारसाज की जा रही है, की गई थी, और कहां खड़ी हुई है, क्या हो रहा है? देखिए शकील साहब, इन्वेस्टिगेशन कौन सी हुई है? इन्वेस्टिगेशन तो कोई नहीं हुई। सबसे पहले स्टेट ने एक एफआईआर अपनी मर्जी से भादराबाद थाने में कटाई, एक इंसिडेंट जो हुआ उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एफआईआर कटवाने की कोशिश की तो वो हमारी एफआईआर गई। उसके बाद मोहतरमा बीबी साहबा जो है वो उसमें सेशन कोर्ट में गई और सेशन कोर्ट में जज साहब ने ऑर्डर किया कि एफआईआर काटी जाए। लेकिन जब एफआईआर का काटने का ऑर्डर हुआ तो उसी वक्त पीसीओ का, आपको पता, स्टेट जो है वो उस वक्त फिर दोबारा हाई कोर्ट में चली गई और जो उस वक्त के पीसीओ जजेस थे उन्होंने उस पे स्टे जारी कर दिया कि नहीं, ये एफआईआर काटी जा सकती। ये बाद में दो मोहतरमा की शहादत के बाद 2-3 साल बाद सिंध गवर्नमेंट गई थी और वो एफआईआर दर्ज हुई है, वही मोहतरमा वाली एफआईआर, लेकिन वो आज तक सील्ड है। क्यों सील्ड है? तो एफआईआर इन्वेस्टिगेशन तो वो होती ना जी, क्या कहती हैं आप, क्यों सील्ड? देखिए शकील साहब, अगर मैं यही कह रही हूं कि इंटरेस्ट नहीं है ना किसी का, ना शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की इन्वेस्टिगेशन में, ना ये 170 से ज्यादा पीपल्स पार्टी के कारण जरदारी साहब की हुकूमत रही है 5 साल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जो मोहतरमा के साथ साथ नजर आने में बहुत खुश होते थे और करीब होने की कोशिश करते रहते थे, वो की पोस्ट के ऊपर रहे। रहमान मलिक साहब जो सिक्योरिटी का उनको हैंडल करते थे, इंटीरियर मिनिस्टर रहे, तो बाकी क्या बात रह जाती थी? क्यों दुबा दिया गया इस तमाम मामले को? शकील साहब, यही तो हम कहते हैं कि अगर बीबी के मर्डर के साथ और जो सानिया कारसाज के जो शोधा हैं, इनके साथ जो सबसे बड़ा जुल्म किया है वो पीपल्स पार्टी ने खुद किया है। 5 साल ये फेडरल गवर्नमेंट में रहे, 10 साल से ये सिंध गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन हर साल मोमबत्तियां जला देते हैं, शमे रोशन हो जाती हैं, जलसे भी कर लेते हैं, उनको याद भी कर लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वाली बात पे कोई भी बंदा सीरियस अपना वो नहीं लेता। हम किससे गिला करें, किससे इंसाफ मांगे, जब पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट खुद ने इंसाफ देने को तैयार, अपनी कायद को और अपने जो इतने कारकुन शहीद हुए, तो आप किससे इंसाफ की बात करेंगे? तो जब आप सोचती हैं, जब आप सोचती हैं इस तमाम तर अमर के हवाले से, डिले के हवाले से, इंटरेस्ट ना होने के हवाले से, तो आपके जहन में क्या आता है? मेरे जहन में यही आता है कि वो कहते हैं कि जी जिसने जाना था वो चली गई, अब लॉन्ग लिव द किंग, बात खत्म हो गई, कि अब शहनशाह आलम जरदारी साहब हैं, बाकी सारी पीपल्स पार्टी उनकी रियाया है, वो जो चाहें वो करें। अब उन्होंने अपनी अपनी, हर एक ने अपनी सीट की कीमत लगा ली, किसी ने अपने किसी ओहदे की कीमत लगा ली, उन्होंने कहा भाई बीबी तो चली गई, उन्होंने वापस नहीं आना। लेकिन मैं कहती हूँ कि इंसान का कोई कैरेक्टर भी कोई चीज़ होता है, इंसान के अंदर कोई शर्म भी कोई चीज़ होती है, लेकिन जो कुछ इन लोगों ने बीबी के और इन कारकुनों के साथ किया है ना, मैं कहती हूँ कि उन कारकुनों ने, जिन्होंने अपनी जानों पे खेल के बीबी की जान बचाई है, जिस तरह 170 लोग जैसा वो चेन बना के ट्रक के गिर चल रहे थे और पहले ब्लास्ट के बाद जब लोगों ने भागना शुरू किया था वो ट्रक की तरफ गए बीबी को बचाने के लिए, तो इससे बड़ी और क्या वो अपनी जिंदगी जान पे उन्होंने खेल के बीबी को बचाया है? आप कुछ रिकॉल कर सकती हैं? क्योंकि गालिबन आप मौजूद थी ट्रक में जिस वक्त धमाका हुआ था, आप मोहतरमा के साथ मौजूद थी उस वक्त।
जी मैं तो मोहतरमा के वो बीबी ऊपर खड़ी थी पहले, उसके बाद उनके पैरों में बड़ी स्वेलिंग हो गई थी तो वो नीचे आ गई थी, नीचे सेकंड जो बना हुआ था ट्रक का, वहाँ पे बीबी अपनी स्पीच तैयार कर रही थी। बल्कि पहले बेगम आबदा हुसैन हमारे साथ बैठी हुई थी, फिर बीबी ने उनको कहा कि आप ऊपर जाएं, मैंने ज़रा स्पीच नाहिद के साथ बैठ के अपनी तैयार करनी है। फाटा पे हम डिस्कस कर रहे थे कि फाटा में वो चाहती थी कि फाटा के लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया जाए, उनको वही हकूक होने चाहिए, वो पाकिस्तानी है, वो उनको वोट का हक मिलना चाहिए। वो उस पर अपनी स्पीच पे वो बातें मेरे साथ डिस्कस कर रही थी तो एकदम धमाका हुआ, पहला जो धमाका हुआ, उन्होंने एकदम मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे कहा कि डोंट मूव, देयर विल बी अनदर ब्लास्ट। और उसके एक सेकंड में जो ब्लास्ट हुआ, फिर वो तो हमने देखा लाशें उड़ती अपने कारकुनों की, अपने जवानों बच्चों की, जिस तरीके से बुरे तरीके से लाशें उड़ रही थी, जिस तरह गोश्त के लोथड़े आकर हमारे ट्रक के वो शीशे टूट गए थे उस पर लगे हुए थे, जिस तरह चीखम धाड़ थी, वो नाकाबले, यानी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको बता सकूं कि उस वक्त का वो क्या सीन था। दूसरे ब्लास्ट के बाद और बीबी गई या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर वो कर रही थी, और फिर एकदम जब अगर ये इतना बड़ा सानहा हो गया था, उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा सख्त इकदाम लिए जाने चाहिए थे। कुछ उनकी थॉट्स इस हवाले से या आने वाले वक्त के हवाले से आप हमें बता सकती हैं, अगर आपने उन आपके साथ कुछ शेयर की हो, क्योंकि वो क्या समझती थी कि अब आगे किस किस्म का वक्त आना आने वाला है और हमें क्या करना है। शकील साहब, मैं समझती हूँ कि ऑल्दो कि उनको सिक्योरिटी के बहुत सारे थ्रेट्स थे, लेकिन वो समझती थी कि वो इलेक्शन ये उनके हाथ में आ रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कर रही थी। आप देखिए, एक दिन पहले हम गए थे पेशावर, पेशावर में वहाँ दो सुइसाइड बॉम्बर पकड़े गए थे जो अटैक करने आए थे। उस दिन बजाय इनके उसके कि उनको कहा गया कि स्पीच को आप शॉर्ट करें, ज़्यादा शाम भी जल्दी हो जाती है सर्दियों में, उन्होंने पहले से ज़्यादा लंबी स्पीच की और कहा कि मुझे बमों से डराते हैं, मैं गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से एक दिन शेर की ज़िंदगी जीना ज़्यादा पसंद करूंगी। यानी वो अपने आप को इतना, उनके जो अवाम के साथ उनका प्यार था और अवाम के साथ जो उनका अवाम का जो वालिहाना अंदाज था उनके साथ अकीदत का, वो सारे उनके इमोशंस जो है ना, वो उनको ओवरकम कर रहे थे और वो आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। और वो उनका यही था कि ये इलेक्शन मेरे हाथ में है और मैंने इस इलेक्शन को जीतना है और मैंने वापस इस मुल्क के लोगों की किस्मत को बदलना है, क्योंकि आज भी जो पाकिस्तान का गरीब अवाम है, नुकसान पीपल्स पार्टी का हुआ है, पाकिस्तान के उन हजारों करोड़ों लोगों का हुआ है जो आज भी भूखे नंगे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर नहीं है, जो बीबी को कहते थे चारों सूबों की जंजीर, जो जिसने पूरे पाकिस्तान को एक चेन में बांधा हुआ था, भुट्टो साहब की शहादत के बाद ये बताइए, पाकिस्तान आने से पहले बहुत सारी बातें हो रही थी जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से, कुछ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, पाकिस्तान में आने के बाद क्या वो अंडरस्टैंडिंग जिसके हवाले से हम पहले बातें सुन रहे थे वो खत्म हो गई थी, बेनजीर साहिबा कुछ अपना रास्ता बनाना चाह रही थी, अब क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? देखिए जी, अगर आपको याद हो जिस दिन मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगाई थी जी, तो बीबी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी हमारी बातचीत हो रही है वो आज के बाद खत्म है। उन्होंने देखिए वो NRO एक उन्होंने जो किया था उसमें नेशनल रिकंसिलिएशन जो ऑर्डिनेंस, वो उसी की वजह से इलेक्शन हुए, उसी की वजह से मुशर्रफ साहब ने यूनिफॉर्म उतारा। ये लोग कहते हैं कि जी NRO क्यों किया, देखिए डेट वाज फॉर 90 डेज, और उसने बीबी ने ये कहा था कि इसका अल्टीमेट फैसला कोर्ट्स करेंगी या पार्लियामेंट करेगी, वो तो एक टेम्परेरी था कि जिन लोगों के मुल्क के अंदर इलेक्शन हो, परवेज मुशर्रफ साहब यूनिफॉर्म उतारे और हर शख्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक हो। और बीबी ने नहीं चॉइस दी थी, जब बीबी ने थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर की कहा थी तो ये मुशर्रफ साहब के लोगों ने कहा था कि जी आप केसेस 10 साल वाले खत्म कर दे जिनका फैसला नहीं हुआ,
थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने थे, क्योंकि सबको डर था कि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बीबी बनेंगे। वो क्या ऐसी बात थी जिसके ऊपर बीबी ने ये कहा कि डील खत्म हो गई, अब मैं आपकी बात नहीं मान सकती? आपने इमरजेंसी जब उन्होंने लगाई तो उन्होंने कहा कि कोई इमरजेंसी लगाने का मतलब यह है कि आप मुल्क के जो आपने बातचीत की वो आपने खत्म कर दी। इमरजेंसी तो किसी सूरत नहीं ना एक पॉलिटिकल लीडर बर्दाश्त कर सकता मुल्क के अंदर। लेकिन वजह क्या बनी आपके ख्याल में इमरजेंसी की? बेनजीर भुट्टो साहिबा की वापसी वजह बनी या और मुहर्रिकात थे? मैं समझती हूँ कि बीबी की वापसी पे जो वालिहाना उनका इस्तकबाल हुआ है उसने इनकी जो सारी इस्टेब्लिशमेंट थी मुशर्रफ साहब भी उसको हिला के रख दिया था, और वो शोर शर्ट हो गए थे कि अगला इलेक्शन जो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब जीत रही है, तो उन्होंने ये सारी बातें जो है वो शुरू की। ठीक, नाहिद खान साहिबा, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। करीबी साथी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की मुशावरत उनसे करती थी, बात उनसे करती थी, शेयर उनसे करती थी, हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू कर रही थी, कुछ हकायक हमें पस मंजर में बता रही थी कारसाज के। नाज़रीन, ये वो मुल्क है पाकिस्तान जिसमें उसके बड़े बड़े लीडर्स जो हैं उनकी जान ले ली गई, असैसिनेट कर दिया गया, उनका खून बहा दिया गया, और कभी किसी को कुछ मालूम ना हो सका। ये है मुल्क पाकिस्तान। वक्त दूसरे सेगमेंट का हो रहा है जिसके अंदर हमने कुछ और अहम बातें करनी हैं, और वो भी पाकिस्तान के अमन व अमान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से हैं, गिरा हुआ मुसीबतों में पाकिस्तान। थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे, ज़रूर देख हुए और एक सिविलियन शहरी वो भी इस धमाके में, बम धमाके में शहीद हुए। हम शहीद कहेंगे, मुख्तलिफ अल्फाज के ऊपर गौर कर रहे थे हम आज, तो हमने सोचा कि शहीद का लफ्ज़ ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो पुलिस वाले थे वो भी अपने काम से जा रहे थे, जो शहरी थे वो भी अपने काम से जा रहे थे, और जो अपने काम से जाते हुए रास्ते में अपनी जान से हाथ धो बैठता है वो अल्लाह की राह में शहीद ही कहलाता है, बाकी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले, अमरीका की वार्निंग्स, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया, और कहते हैं कि ये एंड गेम जो चल रही है खित्ते के अंदर उसका ही शाखसाना है। तालिबान ने जो बम धमाका हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। सबसे पहले हम चाहते हैं सरफराज भुट्टी साहब, वजीर दाखला बलोचिस्तान, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनके कुछ ख्यालात जान लें इस हवाले से। सरफराज साहब, तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन ट्रेडिशनली बलोचिस्तान का एक खास पस मंजर मौजूद है, क्या उस पस मंजर को सामने रखना होगा इस दहशतगर्दी के वाके को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ना ये तहरीक है, ना ये तालिब है, और ना ये मुर्दार अपने मुंह से मेरे पाक वतन का नाम लें। ये दहशतगर्द है और हम इनको इन्होंने जिस तरह का आज हम पर वार किया है वो हमें पीछे हटाना चाहते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को डीमोरलाइज करना चाहते हैं, और बलूचिस्तान की अपनी फर्जिलिटीज है, हमारे यहाँ पोरस बॉर्डर है और अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान की सरजमीन जिस तरह इस्तेमाल हो रही है, और जो हामिद करजई साहब का भी रिसेंटली बयान आया है और जिस तरह वेस्ट की सपोर्ट उनको हासिल है, ये सारी चीजें बड़ी अलार्मिंग है, और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोग और बलूचिस्तान की हुकूमत और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज, हम एक फोर फ्रंट पे पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और हमें कोई रिग्रेट नहीं है इस जंग में, जो कुर्बानी हमसे ये जंग मांग रही है हम वो कुर्बानी दे रहे हैं, और हम इंशाल्लाह ताला इस जंग को इसी तरह दलेराना और मर्दाना वार तरीके से लड़ते रहेंगे जब तक एक दहशतगर्द भी यहाँ होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लड़ेंगे जरूर। भुट्टी साहब, इंडिया के हवाले से आप बारहा आप जिक्र कर चुके हैं कि मुदाखलत कर रहा है, इस वाक्य के हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए, अभी तो अगर सिर्फ स्पेसिफिक इस वाक्य को देखें तो ये बहुत कबल इस वक्त है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि पास्ट में जितनी भी वारदातें हुई हैं, जितने भी सुसाइडल अटैक्स हम पे हुए हैं, यहाँ तक के सुसाइडल भी अफगानिस्तान से आता है, उसको टारगेट भी अफगानिस्तान में इंडियन रॉ और एनडीएस का जो नेक्सस है वो बताता है, और यहाँ पर आके वो ब्लास्ट करते हैं और फिर जो लोग उनको कबूल करते हैं वो भी अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। सो मेरा ख्याल है कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, और रॉ को सबसे ज्यादा तकलीफ है पाकिस्तान को स्टेबलाइज देखते हुए, तो वो जाहिर है पाकिस्तान को जब डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं तो ईजिएस्ट उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए बलूचिस्तान मिलता है, और बलूचिस्तान की फजिलिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज अ पोरस बॉर्डर, आपको पता है कि विद अफगानिस्तान, और प्लस डिवाइडेड विलेजेस हैं, रोजाना 12 से 13 हजार लोग बगैर किसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट के
ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड विच इज नॉट हैपनिंग एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड. सो मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की एक कोशिश है और उस कोशिश को हम सब ने मिलकर नाकाम करना है जो कि हम कर रहे हैं. जहां तक इस वाक्य का सवाल है, देखें इस जंग को समझने की जरूरत है. दुनिया में मैक्सिमम सेंटेंस है वो डेथ सेंटेंस है और ये वो लोग हैं जो डेथ सेंटेंस को कबूल करके, डेथ सेंटेंस को मान के और आके खुदकुशी करते हैं और यहाँ मासूम लोगों को टारगेट करते हैं. सो वी आर फाइटिंग अगेंस्ट एनिमी जो इस तरह का एनिमी है और एनिमी हु प्लेज फुटबॉल विद आर हेड्स. तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रद्दुल फसाद के नतीजे में या ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के नतीजे के बाद वो पहले पाकिस्तान की सरजमीन में बैठ के हम पर प्लान करते थे, हम पर अटैक करते थे. आज कम से कम पाकिस्तान की सरजमीन उनके लिए उनका जीना माहौल कर दिया गया है. अब वो एक नेबरिंग मुल्क में बैठ के हमारे साथ ये काम कर रहे हैं. तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम इसके एंड तक पहुँचेंगे और ये मुल्क, यहाँ के लोग और जिस तरह के आज हौसले थे मेरे पुलिस के सिपाहियों के, मेरे पुलिस के ऑफिसर्स के, इवन ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स उससे नेक्स्ट चौक पे जो उसके कांस्टेबल्स थे वो बगैर किसी वेपन के खड़े होकर अपनी ड्यूटी दे रहे थे. सरफराज साहब, बिल्कुल आपकी बातें बजा तमाम तर. आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है, आज आपने स्टेटमेंट के अंदर भी ये बात की है, लेकिन जब अमरीकी बात करते हैं तो वो बलूचिस्तान का भी बीच में जिक्र कर देते हैं, तालिबान के हवाले से भी वो कर देते हैं. क्या आप उनके लिए मैसेज कैरी कर रहे हैं? देखिए, अमरीकी ये बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई टीटीए की प्रेजेंस है, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान की. मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई ऑर्गेनाइज प्रेजेंस आज तक क्वेटा में या बलूचिस्तान में एस्टेब्लिश नहीं हो सकी है. जाहिर है. और एक और बड़ा प्रॉब्लम है, जब हम बात करते हैं कि जी लेट्स मैनेज द बॉर्डर्स, तब भी अफगानिस्तान को प्रॉब्लम है बॉर्डर मैनेजमेंट में भी. और आपको पता है कि रिसेंटली जो फ्रंटियर कोर के जवानों ने जिस तरह हमारे गांव को प्रोटेक्ट किया सेंसस के दौरान, तो वो भी आपके सामने है. फिर जब हम एक और बात करते हैं कि जो अफगान मुहाजरीन है, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, जो लेकिन अफगानिस्तान से मुहाजरीन आए हैं वो जब पाकिस्तान में आते हैं तो कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं कि इनमें से कौन कौन टेररिस्ट हैं, कौन कौन मिस्क्रिएंट हैं और कौन कौन जो है वो यहाँ पर इस सोसाइटी में आके मर्ज हुए हैं और कौन यहाँ पर आईडीपी है. तो और उनमें से भी बहुत बड़ी तादाद है. वो फैसला कहाँ होना है? वफाकी सतह पर फैसला होना है कि बस अब हमें नहीं चाहिए. देखिए, ये सिर्फ वफाकी सतह की बात नहीं है, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व है, इसमें इंटरनेशनल डोनर्स इन्वॉल्व है, इसमें यूएन का एक बड़ा किरदार है, इसमें अफगान गवर्नमेंट का अपना एक बड़ा किरदार है. लेकिन हमारी अपनी मजबूरियां मौजूद हैं. हम उनके उनकी बात सुन के हम कहते हैं कि चलें ठीक है, और आने दें और इनको रख लेते हैं मजीद, तो हमारे लिए अगर ये काबिल कबूल नहीं है. देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसी में मजीद तो कहीं भी नहीं है, लेकिन ये कि जो पहले मौजूद है उनके बारे में जाहिर है हमने इंटरनेशनली अपने आप को उसमें वो एक्सटेंड होती रहती है और उसमें क्योंकि आप इंटरनेशनली अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते और आईडीपीज का एक स्पेशल स्टेटस होता है हमेशा से हर मुल्क में. लेकिन ये है कि फॉर 3 decades हम अपने रिसोर्सेज से उनको पाल रहे हैं, हमारा सोशल फैब्रिक उनकी वजह से तबाह हुआ है. हम देख रहे थे फिगर्स कुछ रवा साल के हवाले से, हमारे पास जो फिगर है तकरीबन 40 के करीब लोग हैं जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हलाक हुए हैं. हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है तकरीबन 23 से ज्यादा अहलकार हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं. आपको लग रहा है ये टारगेटेड कार्रवाई है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, क्यों? देखिए, ये इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में हिस्टोरिकली आपको याद होगा कि हमारी फोर्सेस का अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर 2013 से आप पहले चले जाए तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं थी बिकॉज पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी. आज सिचुएशन इज डिफरेंट. आज तो हमारी पॉलिटिकल बैकिंग है, हमने अपनी पुलिस फोर्स को डीपोलिटिसाइज किया है, हमने उनको वेल इक्विप्ड किया है एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस वॉर ऑफ टेररिज्म फ्रॉम द लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. आपको पता है कि हमारे यहाँ पर DIGs शहीद हुए, हमारे SPs शहीद हुए. ऐसे में वो पुलिस फोर्स को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, फ्रंटियर कोर को डिमोरलाइज करना चाहते हैं ताकि वो लोग एक तो प्रोएक्टिव अप्रोच है उससे पीछे हट जाए. लेकिन फ्रॉम योर चैनल, फ्रॉम दिस मीडिया, आई वॉन्ट टू गिव देम अ वेरी क्लियर कट मैसेज कि हम डिमोरलाइज नहीं होंगे, हम इस जंग में एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे और अपने लोगों के जानो माल के तहफ़ की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमें दी है, बलूचिस्तान के लोगों ने हमें दी है, हम उससे मुबारा कतन नहीं होंगे. हम बिल्कुल, आप देखें
कई ऐसे बड़े बड़े दहशतगर्द हैं जो यहाँ पर हमने जहनम वसल किए हैं, कई ऐसे, अभी 8 अगस्त का वाकया हुआ जिधर हमारे वोखला को मारा गया, हमने सईद बादेनी, जहांगीर बादेनी, इन लोगों को, ये लोग मारे गए हैं, एक तो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं दोनों। तो कहने का मतलब है कि मुझे यकीन है कि जो ये वाकया है इसके भी जो फैसिलिटेटर थे, इसके भी जो हैंडलर्स थे, हम उनको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह ताला उनको जहन्नम वसल करेंगे। बहुत ब्रीफली लास्ट क्वेश्चन, आपने जिक्र तो कर दिया मॉडस ऑपरेंडाय का, आप कहते हैं कि दूसरी तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से ये लोग आते हैं, आपने जो अभी तक तफ्तीश की है दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से, क्या कहते हैं आप, कहाँ से ज्यादातर ये लोग आ रहे हैं, कुछ एलैबोरेट करेंगे इसके ऊपर? देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद ये जो मीडियम है जिस पे मेरी और आपकी अभी बात हो रही है इस पे इसको डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये है कि ये तो एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं कि अफगानिस्तान से आते हैं, उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, वहां पर टेररिस्ट के कैंप्स हैं, चाहे वो ये टेररिस्ट हों जो मजहब के नाम पर वायलेंस करें, दो इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे ये जो सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट हैं जो पेट परस्ती और कौम परस्ती के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं, उनके भी अगर आप टेररिस्ट कैंप्स देखें, ट्रेनिंग कैंप्स देखें, या उनके जो आप फैसिलिटेटर्स देखें, सो सबकी नानी एक ही है, वो रॉ है और सरजमीन अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान लोग हिस्ट्री पे जब बात करते हैं, जस्ट एक वन मिनट वो लोग अफगानिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को हमेशा 1970s से लेना शुरू करते हैं, अफगान रशिया वॉर से लेना शुरू करते हैं। आई रिक्वेस्ट देम एंड आई ऑलवेज ट्राई टू टीच देम कि आप इसको 1947 से देखें, अफगानिस्तान वॉज द कंट्री जिसने पाकिस्तान को कबूल करने से इनकार किया, फिर हमारा जो पहला इंसर्जेंट था वो अफगानिस्तान, जो बलोच इंसर्जेंट था उसको अफगानिस्तान ने पनाह दी, फिर पश्तून जिल्मे इज इन फ्रंट ऑफ यू किस तरह अजमल खटक और बाकी लोगों को सपोर्ट किया गया, और केपी में जो मौजूदा केपी है उस वक्त का NWFP था, सिकंदर शेरपाओ साहब का कत्ल, और इस तरह फिर मरदान में धमाके, चारसदा में धमाके, चमन में धमाके, कुचलाहट में धमाके, ये सारी अभी हिस्ट्री है। और फिर आपको इस्लामिक समिट याद होगा कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज के हेड जो है वो तशरीफ लाए थे पाकिस्तान में अदर देन अफगानिस्तान। सो देर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री, हमें उसको सामने रखना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, हम उनके साथ, लेकिन टिट फॉर टैट है, पाकिस्तान हैज अ स्टोरी बट देर इज नो स्टोरी टेलर, अनफॉर्चुनेटली किसी ने पाकिस्तान की स्टोरी कभी बताई नहीं है, तो इस वजह से परसेप्शन इज डिफरेंट, रियलिटीज आर वेरी डिफरेंट। बहुत अनफॉर्चुनेट है सरफराज बुगटी साहब अगर ये कहानी नहीं बताई जा रही, आई विश कि इस कहानी को बेहतर तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए। सरफराज बुगटी साहब, वजीर दाखिला बलोचिस्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन इसी पे गुफ्तगु जारी रखेंगे, हमारे साथ इस वक्त खान गुलमंदो खेल साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, साबिक डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल आईबी, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मंदुखेल साहब, आई नो कि ये जो टेररिज्म की कार्रवाइयां होती हैं इंतहाई मुश्किल काम होता है इनको रोकने के लिए, लेकिन जब हम बलूचिस्तान के हवाले से एफसी का भी नाम सुनते हैं, पुलिस का भी नाम सुनते हैं, फौज भी यहां पे मौजूद होती है, सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भरमार के बावजूद, इतना हिस्ट्री होने के बावजूद क्यों नहीं रोक पाते हैं? सर देखें, दो चीजें हैं, एक, You can never stop a man who is on a mission to kill himself. Suicide bomber जो है उसको आप रोक नहीं सकते, number one. हर जगह आप razor blade wires नहीं लगा सकते. ठीक, barbed wire तो चले लगा देंगे, razor blade आप 24 मतलब हर जगह पे नहीं लगा सकते कि nobody can cross the line. दूसरा ये है कि जहाँ पे वेर एवर देर इज़ पॉवर्टी, गुर्बत होगी, वहाँ पे रॉ मटेरियल जो कि टेररिस्ट है, रॉ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ मैन, गरीब आदमी है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। बलूचिस्तान भरा पड़ा है इससे, रॉ को, रॉ मटेरियल ऑन द ग्राउंड बेतहाशा मिला हुआ है, बेतहाशा मिला हुआ है, अफगानिस्तान में भी, इधर भी। आप सपोर्ट करें सरफराज बुगटी साहब? जी जी बिल्कुल, सरफराज बुगटी साहब ने बिल्कुल सही बातें की हैं। ये रॉ मटेरियल जब तक होगा आप इसको चेक कर सकते हैं। नाके जो है, मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस के नाके जो हैं ये बेसिकली एक डिटरेंस है, आप हर गाड़ी को, हर चीज को नीचे से बॉम्ब और दूसरा तीसरा ये नहीं चेक कर सकते,
डिटरेंस इन द सेंस कि जो क्राइम कमिट करने वाला आदमी है वो अपने साये से डर रहा होता है कि यार मैं वक्त से पहले पकड़ा जाऊंगा, तो इसलिए वो उस चेक पोस्ट की तरफ आता नहीं है। अगर आ जाए तो मेरा अपना ज़ाती ये तजर्बा है 34 साल पुलिस और FIA IB वगैरह सारी सर्विसेज का कि वो क्रॉस कर जाएगा अगर उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो। चूंकि देर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मैन कि वो कोई क्राइम करने जा रहा है, क्रिमिनल में खुद वो एतमादी नहीं होती, ठीक है, तो इस वजह से चेक पोस्ट जो है, बैरियर जो है, ये बड़ा मतलब एक मतलब इससे बेहतर कोई चीज अभी तक किस दुनिया में कहीं पे भी नहीं साबित हुई है कि देर इज समथिंग एल्स एक्सेप्ट कि जो आजकल ब्राजील वगैरह में ऐसी व्हीकल्स बन गई हैं जो कि मतलब एक दे आर काइंड ऑफ ये क्या नाम है मतलब इस तरह की गन्स हैं लेजर के जो आपकी व्हीकल के अंदर वेपन्स भी डिटेक्ट कर लेता है और नारकोटिक्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर बात यह है कि भाई वो महंगी भी इतनी नहीं है, लेकिन आप देंगे किसी को पाकिस्तानी को कि भाई वो मंगा ले, जिस तरह कराची में वसीम अहमद IG साहब ने CCTV कैमराज मंगाए सारे, मतलब चार्जेस एक नंबर के लिए और 4 नंबर मंगाए। आज जो क्रिमिनल होता है टीवी पे आता है तो उसकी शक्ल नहीं पहचानी जाती, रिजल्ट 2 नंबर आता है उसका, बहुत शक्ल ही नहीं पहचानी जाती, नहीं जाता वो। कि मतलब ये जरूरत ही नहीं है इन CCTV कैमराज को, कराची से सारा निकाल दें जो करोड़ों अरबों रुपए लगाए, वरना नैब केस उठाए आराम से देखे कि भैया आपने पैसे जाया क्यों किए हैं, स्टेट के पैसे हैं या किस चीज के पैसे हैं, नैब पहले और तो काम ठीक तरीके से कर ले, फिर ये भी सारे मिला, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। मुझे ये जो लेटेस्ट ये जो रोड साइड बॉम्ब धमाका हुआ जिसके अंदर 6 अहलकारों की जाने गई, 1 सिविलियन की जान गई, और मैं अनफॉर्चुनेट सरफराज साहब से भी मैं ये सवाल कर रहा था कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस को आप खास तौर पर टारगेट कर रहे होते हैं तो व्हाट आर यू एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव, आप हासिल क्या करना चाहते हैं? ये दो मतलब इट्स अ डबल एजेड सॉर्ड। एक तरफ से आप हाई वैल्यू टारगेट को लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को टारगेट करते हैं, इट बिकम्स अ न्यूज। किसी साइकिल पे दूध वाला जा रहा है उसको आप उड़ा दें, 10 को उड़ा दें, इट वोंट मतलब दैट वोंट बिकम अ न्यूज, नोबडी वुड डिस्कस इट। अभी मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज वाले लोग थे, वरना कितने बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे आपका मतलब जो भी फ्रंटियर हो, ब्रंट तो सारी की सारी मतलब एक और भी इसका कॉन्टेक्स्ट है, जो ड्रोन हमले हुए अफगानिस्तान के अंदर जो जाने गई दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर ट्रंप साहब का स्टेटमेंट, और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो ड्रोन हमले हैं अब हमारे मुल्क में हमारे लिए क्या लेकर आएंगे, सिटीज के अंदर बैकलैश होगा, तो वो बहुत इमीडिएट था। इसकी टाइमिंग जो देखी जा रही है वो कोइंसिडेंस तो कहते हैं शायद कम ही होते हैं, शायद उसी का शाखसाना हो। देखें सर, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपने फॉरेन सर्विस में, मैं एक मिनिस्टर को जानता हूँ, उसने किसी वक्त 96-97 में ये सैफुल्लाह की शादी थी, उसमें कहा कि एक आदमी ने कहा सिफारिश आई कि इसको स्पेन का एम्बेसडर लगाना है, तो उन्होंने उसको बुलाया अपने पास, PC में बैठे हुए थे, कहते हैं कि भाई तुम टेंगो कर सकते हो, यू नीड 2 to tango ना, तुम टेंगो कर सकते हो। उसने कहा सर मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा डांस किया, क्या क्या कल फॉरेन ऑफिस में आ जाना, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे, कहा कि कल सुबह फॉरेन ऑफिस में आ जाना आपको एम्बेसडर लगा दूंगा। जब ऐसे आप स्पेन के एम्बेसडर लगाएंगे आपकी फॉरेन पॉलिसी किस हद पे पहुंच गई है, ये तो आप शुक्र करें कि आपको मलिया लोधी जैसी टैलेंटेड एक औरत मिली हुई है अमेरिका में बिठाए हुए आपने, वरना हालात इतने बदतर हैं, इतने बदतर हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये मलिया लोधी एक इंडिविजुअल हैं जो कि आपका केस प्लीड कर लेती हैं, बाकी फॉरेन सर्विस को तो आपने तबाह कर दिया हुआ है, बेड़ा गर्क करके रख दिए। वो वाजिद शमसुल हसन इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वो क्या डिप्लोमेसी करता होगा पीपल्स पार्टी के दौर में यार। तनाजली, जब आप तनाजली के हवाले से बात करते हैं और उमूमी जायजा लेते हैं हालात का, तो आपको हर तरफ ये गंद नजर 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 आता है, और इसका जो रिस्पॉन्सिबल है अभी आप उसके हवाले से उसका इफेक्ट जो है वो ट्रेवल करता है, एक जगह नहीं ठहरा। दहशतगर्दी की आप बात कर लें, आप अपने माशरती मसाइल की आप बात कर लें, आप खवातीन के हवाले से बात कर लें, तमाम तरह ट्रेवल कर। और अगले सेगमेंट में आप खान गुलमंदोखेल साहब हमारे साथ रहेंगे, अगले सेगमेंट में हम कंदील बलोच साहिबा के केस के हवाले से बात करना चाहते हैं, जिन्हें बड़ी बेदर्दी से
कत्ल कर दिया गया या करवा दिया गया। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो भाग गए थे अदालत से, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है और उनके हवाले से पहले भी शवाहिद का जिक्र किया गया था कि उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसा डाटा मौजूद था जिससे उनके मुलव्वस होने के शवाहिद मिलते थे। उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हार देगा उस माशरे का ज़्यादातर चलना जो है मेरा ख्याल है बहुत महाल है, और आजकल जो हालात हमारे इर्द गिर्द पैदा हो रहे हैं जिसके अंदर आप सियासी डेवलपमेंट्स देखते हैं और उसके अंदर भी जो आपको मामलात नज़र आ रहे हैं तो कुछ अच्छा शगुन हमें देखने को नहीं मिलता। और कत्ल हो जाने के बावजूद मेरा ख्याल है तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो गया, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को कभी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, कभी वो पुलिस से तावुन नहीं करते थे, कभी अदालत नहीं पेश होते थे, आज तो फरार हो गए, लेकिन भला हो पुलिस वालों का कि उन्होंने पकड़ लिया। अब इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हम चाहते हैं कि मलिक अजीम साहब जो वालिद हैं कंदील बलोच साहिबा के, उनसे बात करें। मलिक साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी मलिक अजीम साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है। मलिक साहब हमें कुछ बताएंगे कंदील बलोच साहिबा के कत्ल के मुकदमे के हवाले से, एक तो आपकी बेटी चली गई और दूसरा आपके दोनों बेटे इसके अंदर पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं उनसे? हाँ जी, दोनों बेटे जो है ना जी आज मैं आज करना पे तफ्तीश उन्हें जेल में मेहरबानी जो सैनल ने तामन किए सा पहला दुश्मन जरा है कवी साहब है जेरे मेरी बेटी दे दुश्मन असल भड़काया गया मेरे बेटे को ते नाल नाल अपने बंदे जेरे नाल धक्के पे नीचे जेरे उन्हें दे नाल उठियार की जन भाई जे बेटे को भड़का इको इमे इमे उन्हें मंसूबा बदले। ये आप कैसे कैसे मलिक साहब, ये आप कुछ तफसील बताएंगे? एक आपके बेटे सऊदी अरब के अंदर बैठे हुए थे, उनको भी राब्ता कर रहे थे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, कॉल का रिकॉर्ड मिला टेलीफोन से? जी बताइएगा कुछ उनको राब्ता, उन्हें ना भी राब्ता उन्हें को भड़का है तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन ये ऐसी है वैसी है तुरा बलोच तुरा क्या कर रहे हो ये उन्हें एक आवर कर दिए बैठा इन्हें लोगों को इन्हें ये जो नाल छाओ रहा ना नहीं उन्हें को भड़का थे उन्हें वो मिले बोला मेरा छोटा बेटा जरा थे खड़ा ना वसीम वो बिल्कुल भेड़ का लाज हो गया जब प्यारा भी है वो कुछ जो चार भड़का है थोड़ा बलो जो रहे जो रहे वो उन्हें दिन ने चार पे दिन ना सब जटा की बेच उन्हें बेंच चले। क्या कहते हैं आप, आप मुकदमा चल रहा है अदालत में, मुकदमा चल रहा है आपका, केस ठीक चल रहा है वहां पे, क्या कहते हैं आप? ठीक चल रहा है, इस वक्त ठीक चल रहा है। आप कंदील की वालिदा क्या कहती हैं, कुछ बताएंगे? कंदील की वालिदा देख रहा है, पूछ रहा है। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक ठाक हैं? जी हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है बेटा, तुम ठीक हो? अल्लाह का बहुत शुक्र है। हमें बताइएगा अब क्या कहती हैं आपके दोनों बेटे भी जेरे तफ्तीश हैं, कंदील पहले चली गई, कत्ल कर दिया गया, क्या सोचती हैं आप? क्या सोचते हैं बेटा, परेशान हो गए, देर रात सुकून है नहीं, जमीन जा नहीं देंदी, मंजी जा नहीं देंदी, क्या सोचते हैं? सारे सारे घर तबाह किया गए, सारे मर्द कोई नहीं बेटा, एक बेटा खड़े हो सारे बार मजदूर कर कर फैमिली बाह ली है, कहीं वाले कदम आया हफ्ते कने दादी मार कने घर आया, छोटे छोटे बच्चे दू अस पाए थे, बेटे तो कोई कह नहीं, तो अब सासू ते परेशानी है बेटा। अब अभी अभी, अभी कैसे गुजर बसर चल रहा है? हम जो हमने पढ़ा कंदील के हवाले से वो तो घर चला रही थी आपका, ऊपर से दोनों बेटे भी दे रहे तफ्तीश है, तो अब क्या मामलात है? क्या मामला थे बेटा, बस रोजी अल्लाह मलिक दे देने, बस कुछ कोई कई लोग कुछ बीतन, बस गुंजाइश नाल अपने रिश्तेदार कुछ बेली इमदाद करें, मैंने बेटी आए मजा बड़ी बेटी है ना वो बहुत तावन करेंगी अपना जमात्रा है बेटी है, बस सारे को तंग थी ने खर्चे वगैरह दासा हो वो सारे बहुत तावन करना। कंदील के हवाले से क्या कहना, कोई मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों को कि उनका कत्ल हुआ अब मुकदमा चल रहा है, कोई आपके पास पैगाम है? बेटा मुकदमा तो चल रहा है, अहम मुल्ज़िम जो मुफ्ती कवी है ना
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਕੰਦੀਲ ਦੇ ਮਰਗ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਤੇਰਾਂ ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਏ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਦੀਲ ਕੋ ਧਮਕਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੀਲਾ ਇਲਾਏ ਰਾਜ ਹੁਣ ਕੰਦੀਲ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੀ ਹੋ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਜੋ ਥਾਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਉਹ ਧਮਕੇ ਨਾ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਮਾਡੋ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਸ ਸੀ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਬਲੋਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਲੋਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਸ ਸੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿ ਬਲੀ ਕੰਦੀਲ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹੈ आप समझते हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो हैं वो मेन जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और उन्हीं के हवाले से आप कहती हैं कि वरगलाया उन्होंने आपके बेटे को आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओ बच्चे हैं ना बेटा ओ बच्चे हैं मेरा वसीम बेटा है ना इंदू इतना उम्र का है नहीं 15-16 साल की उम्र है उन्हें कच्चा जहन है ओ छुआ रहे और वरगलाया उनको ये आप कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने हमसे गुफ्तगु की मलिक अजीम साहब और कंदील बलोच की वालिदा गुफ्तगु कर रहे थे उनके केस के हवाले से खानगुल मंदोखेल साहब आप ये सारा केस आपने फॉलो किया आप देखा क्या व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट दिस केस क्या समझते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर अगर कोई आउटस्पोकन होगा तो उसको हम इस तरह चुप करा देंगे सर ये बदकिस्मती है कि इतनी बोल्ड बची इतने गरीब घराने से आपने वालदेन को देख लिया उसके वालदेन को देख लिया कि कितने बैकवर्ड एरिया से हैं और कितने गरीब हैं इतनी बोल्ड बची जो कि अपने लिए एक वे ऑफ लाइफ इसमें से काव करना चाहती थी मतलब टू ड्रॉ अ न्यू लाइन फॉर हर लाइफ तो वो उठी है कुछ थोड़ा बहुत आगे आई है शी चैलेंज द सिस्टम गुर्बत से निकल के लेकिन सिस्टम ने उसको पहले तो अब्यूज़ करने की कोशिश की मिसयूज़ करने की कोशिश की फिर उसके बाद दे पुट हर डाउन टू स्लीप परमानेंटली मैंने तो ये देखा है कि 1791 में फ्रेंच पार्लियामेंट बैठी और उन्होंने एक लॉ पास किया फ्रेंच पार्लियामेंट ने 1791 में एक लॉ पास किया कि अ वुमन हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट प्रोड्यूस किड्स ब्रिंग देम अप एंड नथिंग मोर देन दैट द लाइफ ऑफ अ वुमन एंड्स एट दैट फिर एक तगड़ी सी औरत थी मैरी वुल स्टोनक्राफ्ट उसने 1792 में एक पेपर लिखा द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन वो उसने पेपर लिखा और वो प्रेजेंट किया कि भाई हमारा क्या कसूर है हमें व्हाई इज इट दैट यू वांट टू मेक वुमन एज मतलब एज स्लेव्स टू अ मैन तो उसकी बड़ी पसगिराई हुई उस वक्त तो जो पार्लियामेंट थी फ्रेंच उसने उसको इनकार कर दिया ओ दिस एंड दैट और फलाना डिमकाना लेकिन अल्टीमेटली विद इन 1.5 सेंचुरी इतनी आज़ादी ले ली और 1.5 सेंचुरी के बाद आज तक 1791 से जो आज तक फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो वुल क्रॉफ्ट जो थी स्टोन क्रॉफ्ट वो लीडर है तो मार्क माई वर्ड्स ये कंदील बलोच मर गई है लेकिन ये जुल्फिकार अली भुट्टो पीपीपी के लिए आइडल है आइडलेटरी लोग करते हैं कि भाई बहुत अच्छा पॉलिटिशियन था कंदील बलोच पाकिस्तानी वुमन के लिए औरतों के लिए एक शी इज अ मार्टर शहीद है इसके बावजूद के काफी लोग समझते थे कि उनका जो सोशल मीडिया के ऊपर कंडक्ट था वो ऑब्जेक्शनेबल था वो इस वक्त प्रेजेंट सोसाइटी के लिए वक्त चेंज होता रहता है हिस्ट्री ऑलवेज मूव्स ऑन आज कल के दौर में वो ऑब्जेक्शनेबल था आज से 100 साल बाद मुझे याद है कि 1950s और 60s में जो मैं पढ़ता था जो मुझे दिखाया जाता था जो कुछ था वो आजकल सारे का सारा अलाउड है ये ऑनर किलिंग्स और ये तो ऐसी होती थी कि मतलब हमारे ट्राइबल इलाके में कि जैसे बकरे को आदमी मार रहा हो वो तूने इसकी तरफ क्यों देखा और फलाना डिमकाना आजकल ऑनर किलिंग्स और तलाक देना और दूसरा आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमेटिकली ये मतलब डाउनग्रेड होता जा रहा है सिस्टम और औरत अपने हकूक ले रही है लेकिन कंदील बलोच जो है शी वॉज अ प्योर शहीद और
प्योर शहादत उसने हासिल की है। वो एक गरीब बच्ची थी जो आगे निकलना चाहती थी माशरे में, लेकिन सिस्टम्स ने और हमारे ब्लैक लॉज जो हैं और जो हमारी ये ऑनर किलिंग्स जो हैं, इस माइंडसेट ने उसको मरवा दिया गरीब को। शी वॉज 20 मतलब इन हर 20s, नॉट इवन इन हर, मतलब शी हैड क्रॉस्ड हर टीन्स। लेकिन मुझे बड़ा बेइंतहा अफसोस हुआ उस बच्ची पे। आप एक औरत को जो कि इतनी डेस्परेट है और वो अपनी जिंदगी किसी सूरत में चेंज करना चाहती है, भाई हु आर वी टू डिसाइड अबाउट हर लाइफ? हम कौन होते हैं ये मैं आपको, हम कौन होते हैं कि उसको डिसाइड करें कि वो बच्ची आगे जाए या ना जाए? भाई कौन होता है? मैं जरा उनके ख्यालात के बारे में बताना चाहता हूँ मुफ्ती अब्दुल कवी के हवाले से। उनके वालदैन ने जो बातें की और कंदील बलोच साहिबा जो खुद कह रही थी, उनकी नज़र में मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का स्टैचर क्या था, वो जरा सुनवा दीजिए जी उसके ऊपर, ताकि हम बात कर लें। मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे लोग ही हैं जो कि बंद कमरे में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मेरा झगड़ा बाकी उलमाउद्दीन से नहीं है, मैं सबकी तहदिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैंने मुफ्ती अब्दुल कवी को जानबूझ के बदनाम नहीं किया। वो जो कुछ भी हुआ है खुदा की तरफ से हुआ। मैं खुदा ना खास्ता कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मेरा ये काम नहीं है कि मैं लोगों को एक्सपोज करूँ। वो जो कुछ भी हुआ है खुदा की तरफ से हुआ। उसने पूरी जिंदगी उसने गुनाह किया, पूरी जिंदगी उसने लोगों को बेवकूफ बनाया। आज वो अगर आया तो खुदा की पकड़ में आया। मैं सिर्फ एक जरिया थी। ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से जब पूछा गया कि आपके साथ ये क्या कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने इनको तबलीग के लिए बुलाया हुआ था, और वो रिसोर्सफुल हैं काफ़ी, अवॉइड करते रहे पुलिस के साथ भी, उन्होंने तावुन नहीं किया खास, उनके मोबाइल से भी चीज़ें निकली और आज भी भाग रहे थे, वो पकड़े गए। क्या कहते हैं आप इन ऐसे कैरेक्टर्स के हवाले? दिस इज व्हाट वी हैव गॉट टू स्टैंड एंड फाइट। ये माशरा बेसिकली इंसाफ पे बेस्ड है, माशरा है ही नहीं माशरा ये इसमें सिर्फ दो नंबरी चलती है, सिर्फ फ्रॉड चलता है, सिर्फ मुनाफिक चलते हैं, और क्या चलता है इस माशरे में? आप मुझे एक चीज बताएं कि दो नंबरी आदमी आगे टॉप पे ना पहुंचाओ, आपके सारे ब्यूरोक्रेट्स 22 ग्रेड के, आपके सारे पॉलिटिशियंस दो नंबर ना हुए तो, मतलब विद द एक्सेप्शन ऑफ वन और टू और थ्री और फोर और फाइव परसेंट, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। 1-5% इसमें रिलैक्सेशन दे दें, बाकी आप इन बल्क एज अ होल सारा कुछ उठा के देख लें। आपके माशरे में सीधा कुछ होता तो आज बांग्लादेश 70 में 71 में आपसे अलहदा हुआ है। आज उसका एक रुपए 40 पैसे और उसका 1% बराबर है। यार कमाल करते हैं। वो वक्त था जब 70 में 36% जो थे वो 1 रुपए के बराबर थे। 1971 में 36% वर इक्वल टू 1 पाकिस्तानी रुपी। आज 1.40% आर इक्वल टू 1.40 रुपीज आर इक्वल टू 1%। और फिर आप जा किधर रहे हैं? और फिर डार साहब जो हैं बैठ के डिफेंड कर रहे होते हैं अपनी पॉलिसीज को। खान गुल मंदोखेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन जो चीज आप अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी वही चीज मुनासिब होगी। ख्याल कीजिए कि आपके मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है, किसका गला घोंटा जा रहा है। अगला गला हमारा अपना भी हो सकता है। फैसल शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।